नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आज के 10 बज चुके हैं और मैं लेके आया हूं आज का डेली टेक। तो चलिए जान लेते हैं क्या थी आज की टेक खबरें। दोस्तों, हमारी आज की खबरें ज्यादातर CES 2017 से जुड़ी होंगी, जो कि 5 से 8 तारीख के बीच में लास वेगस में चलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको CES का फुल फॉर्म बताना चाहूंगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। इसमें वर्ल्ड की प्रत्येक कंपनियां अपने अपने जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी उन्होंने नया इनोवेशन किया है उसका प्रदर्शन करती हैं और बताती हैं कि क्या चीज हमारा लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है और किस देश में लॉन्च होने वाला है। इसी CES 2017 का आगाज 5 तारीख से जो होने वाला है, उससे पहले प्री लॉन्चिंग टाइप की इवेंट्स लास वेगस में चल रहे हैं और उनमें जो चीजें दिखाई गई हैं उसको मैं इस डेली टेक में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं LG के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट से, जो कि LG का कहना है गूगल होम और Amazon Alexa टाइप की चीज होगी। ये भी एक होम असिस्टेंट डिवाइस होगी जो कि गूगल होम जैसे कि होम असिस्टेंट डिवाइस है उसकी तरह काम करेगी और इसको कंपनी का कहना है कि गूगल होम और Amazon Alexa का तगड़ा राइवल माना जा सकता है। अपनी दूसरी खबर की बात करें तो वो भी LG की तरफ से आ रही है। LG अपना एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा कॉर्ड जीरो स्टिक और कॉर्ड जीरो कैनिस्टर। कॉर्ड जीरो स्टिक की बात करें तो इसमें वो लंबे टाइप के स्टिक वाले जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं उस तरह के होंगे। इसमें आपको कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर देखने को मिल सकता है। और कैनिस्टर वाले मॉडल की बात करेंगे तो जो आपके स्क्रीन पे पहिए लिए हुए डिवाइस है यही उनका कॉर्ड जीरो कैनिस्टर है। इसकी ज्यादा स्पेसिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है, बस यह बताया गया है कि ये कॉर्डलेस होंगी और जो आपको वायर देखने को मिलते हैं वो सब नहीं होंगे। और जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो तो 5 तारीख के बाद ही पता चलेंगी। फिलहाल के लिए हमारे पास यही खबर है। अगली खबर हमारी लेनोवो की तरफ से आ रही है। लेनोवो की तरफ से हमारे पास बहुत ढेर सारी खबरें हैं। तो पहली खबर हम लोग स्टार्ट करते हैं गेमिंग लैपटॉप से। गेमिंग लैपटॉप का एक नया ब्रांड लेनोवो ने स्टार्ट किया है जिसका नाम लीजन रखा गया है। इसके दो मॉडल अभी लेनोवो ने बताए हैं कि वो लॉन्च करेगा, Y520 और Y720। इसमें आपको एनवीडिया का GeForce GTX 1060 देखने को मिलेगा। इसके हायर वेरिएंट में आपको 16GB की DDR रैम मिलेगी, i7 प्रोसेसर इसमें देखने को मिल सकता है। और जो इसका हायर वेरियंट है Y720 का जो हायर वेरियंट मिलेगा आपको वो थंडरबोल्ट के साथ भी उपलब्ध होगा। तो जो थोड़ी सी अभी स्पेसिफिकेशन बताई गई थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी सारी जानकारी आपको इवेंट के बाद ही पता चलेगी। लेनोवो ने अपना स्मार्ट होम डिवाइस भी एक लॉन्च किया है जो कि Amazon Alexa का जो सर्च इंजन है उस पर काम करेगा। इसमें भी गूगल होम और Amazon Alexa की तरह आपको एक डिवाइस मिलेगी जिसमें कि स्पीकर्स होंगे, 360 डिग्री का माइक होगा और लगभग 1 फीट की इसकी ऊंचाई होगी और इसका जो सर्च इंजन होगा वो Alexa पर काम करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि लेनोवो इसका प्राइस रेंज क्या रखता है। शायद वो गूगल होम और Alexa को कड़ी टक्कर देने के लिए इसका प्राइस कम रख सकता है, अब वो तो इवेंट के बाद ही पता चलेगा। अगली खबर भी लेनोवो की तरफ से आ रही है। उसका कहना है कि वो अपनी 3 नई डिवाइस कंप्यूटर सेक्शन में लॉन्च करेगा जिसका नाम है थिंकपैड, X1 कार्बन, X1 योगा लैपटॉप और X1 टैबलेट। ये सारी डिवाइस फरवरी से मार्च के बीच में आपको मिल सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं मार्केट में। अगर टैबलेट की बात की जाए तो वो आपको $950 में मिलेगा। यदि योगा लैपटॉप की बात की जाए तो वो आपको $1499 में मिलेगा और आपको थिंकपैड एक्स कार्बन लैपटॉप $1349 में मिलेंगे। तो काफी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है लेनोवो की तरफ से। अब देखना ये है कि इसकी स्पेसिफिकेशन ये लोग क्या रखते हैं, प्राइस रेंज तो मैंने बता दिया आपको और ये मार्केट में किस प्रकार अपना प्रभाव जमा पाते हैं ये तो समय ही बताएगा। काफी दिनों से खबर आ रही थी कि ब्लैकबेरी अपना मर्करी नाम का कोई एक सेट लॉन्च करने वाला है TCL कंपनी के साथ, जो चाइना बेस्ड कंपनी है। उसके साथ उसने करार किया है कि वो स्मार्टफोन में उनका कोलैबोरेशन करेगा। तो यह लीक एक यह रूमर अब कंफर्म होती नजर आ रही है कि एक 4 सेकंड का वीडियो नजर आया है जिसमें कि उसी फोन की, अब ये नाम नहीं क्लियर है कि ये मर्करी कहा जाएगा इसको, एक फोन की क्लिप डिस्क्लोज की गई है जिसमें कि कीबोर्ड क्वार्टरी कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 4.5 इंच का डुअल कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 3GB की रैम मिलेगी, 32GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, 18MP का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और 8MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रोसेसर की बात की जाए तो 821 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा।
अब तो बस इवेंट का इंतजार है कि जल्द से जल्द ये फोन डिस्क्लोज हो जाए और इसके कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको जानकारी दे पाऊं। एक खबर निसान की तरफ से आ रही है, कहा जा रहा है कि वो कॉर्टेना का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ इस तरह का चीज मार्केट में दिखाने वाला है जो कि उसकी अपीयरेंस को एक स्टैंड देगा। ज्यादा कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि निसान अपने कार्स में कॉर्टेना का इस्तेमाल कर सकता है स्मार्ट कार बनाने में या किसी स्मार्ट रोबोट को बनाने में। अब ये चीज क्लियर नहीं हुई है, पर कॉर्टेना का इस्तेमाल करते हुए वो कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर दिखाने वाला है। एक और खबर लेनोवो की तरफ से आ रही है, कहा जा रहा है कि वो विंडोज होलोग्राफिक प्लेटफॉर्म कंपैटिबल वीआर डिजाइन कर चुका है और वो इसी सीईएस 2017 में उसकी लॉन्चिंग कर सकता है, उसका एक प्रदर्शन कर सकता है। यह पहली बार होगा कि विंडोज होलोग्राफिक कंपैटिबल कोई वीआर लॉन्च होगा। इसका डिजाइन कुछ एचटीसी वाइव की तरह होगा, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था उस तरह का होगा। अब देखने की बात यह है कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ये तो इवेंट के बाद पता चलेगा, पर इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं। एक खबर आ रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन्स में पैनिक बटन लगाने को कहा था, वो स्मार्टफोन कंपनियां अभी सरकार से 2 महीने का समय और मांग रही है, क्योंकि जो सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था उसमें उनकी सेल कम हो गई थी और जो स्टॉक उनके बचे हुए हैं उनको वो क्लियर करना चाहते हैं। तो इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए उन्होंने 2 महीने का समय मांगा है, उसके बाद जो सेट वो बनाएंगे उसमें पैनिक बटन होगा जिसको महिलाओं के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है, जिसको क्लिक करने के बाद कुछ लोगों को मैसेज चला जाएगा, जो कि आजकल कुछ ऐप आए हुए हैं उनको इस्तेमाल करके वो उस तरह की सुविधाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। तो अब पैनिक बटन सारे स्मार्टफोनों में रहेगा, बस 2-3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। चाइनीज कंपनी OnePlus द्वारा पहला एक्सपीरियंस सेंटर भारत में लॉन्च किया जाएगा 7 जनवरी को बंगलुरु में। तो यह पहला जो एक्सपीरियंस सेंटर होगा वो बंगलुरु में स्थापित कर रहा है OnePlus। अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया के और किस किस शहरों को OnePlus चुनता है अपने एक्सपीरियंस सेंटर के लिए, पर फिलहाल 7 जनवरी को बंगलुरु में उसका पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुल रहा है। एक खबर आ रही है डेल की तरफ से, उसका एक्सीडेंटली एक लैपटॉप का मॉडल XPS 9365 कन्वर्टेबल लैपटॉप है ट्विन वन, उसकी एक आप कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन और इमेज उनकी ही वेबसाइट पे गलती से अपलोड हो गई और दुनिया को उसके बारे में पता लग गया। अब ये चीज पता नहीं जानबूझ के डेल ने की है या वो गलती से हुई है, पर कॉर्पोरेट जगत में इस तरह की गलती नहीं की जाती या जानबूझ के चीजें की जाती हैं। अब गॉड नोस कि ये किस कारण से हुआ, पर इस तरह की चीजें लीक हुई हैं और इसका पूरा का पूरा ब्यौरा मुझे लगता है कि सीईएस 2017 में डेल कंपनी जरूर देगी अपने इस मॉडल का, जो कि जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रही है। आज की डेली टेक के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं, और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको चैनल का आइकन दिख रहा है उसको क्लिक करने पर आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे जो अन्य वीडियो आप देखने के लिए इधर क्लिक कर सकते हैं उनका भी मजा ले सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।